साथ श्री एपी जितेंद्र रेड्डी साहब जो तेलंगाना से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हाउस लीडर भी हैं तेलंगाना पार्टी के, उनसे कुछ सवाल इंडिया 543 सर नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तेलंगाना लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो महबूब नगर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, तेलंगाना की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो डेवलपमेंट इन दो सालों में जो हो गया उसके बारे में। तेलंगाना एक नया राज्य है जो 29th स्टेट इन द कंट्री। ये बहुत ही हम लोग आंदोलन करने के बाद में 60 साल का आंदोलन था, केसीआर साहब उसके लीडर थे आंदोलन के, 14 वर्ष के उनके आंदोलन के बाद में हम लोगों ने ये हासिल किया है। 60 साल से आंध्र प्रदेश राज्य था, उसके अंदर में तेलंगाना जो है 1956 के अंदर में एमलगमेंट हुआ था एक एग्रीमेंट के हिसाब से। तो उस दिन से हमारा तेलंगाना का प्रजा सोच रही थी कि पूरा आर्थिक व्यवस्था जो ये राज्य आंध्र प्रदेश राज्य को आ रहा है वो पूरा तेलंगाना से आ रहा है, लेकिन तेलंगाना के राज्य के प्रजा को जो हक मिलना चाहिए, जो उनका पहले से जो आन बान शान था वो आंध्र प्रदेश होने के बाद में उनसे खींचा गया है, उनसे ले लिया गया है, और ये लोगों को जो है उनके राइट्स पे उन्होंने डिप्लाइम किया हुआ था। तो पहले ही दिन से, मतलब 60 साल पहले ही दिन से तेलंगाना का प्रजा अलग स्टेट के लिए मांग चालू की थी। 14 साल में केसीआर जी उसके लीडर बनने के बाद में उन्होंने हर तरीके के नॉन वायलेंस मूवमेंट एक चालू करके जिस तरीके से तेलंगाना को पानी और अपने फाइनेंशियली और जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो उनको डिप्राइव हुआ था वो पूरे देश के प्रजा के सामने लाके, पार्लियामेंट के सामने लाके, बहुत से हम लोगों ने दिल्ली में अपने जो तेलंगाना का एरिया के अंदर में हम लोगों ने आंदोलन करके ये राज्य हासिल किया है। अभी हमारा राज्य 2.5 साल नवा बच्चा है। जैसे कि मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाता है इंडिया का, महबूबनगर जिला के अंदर में इट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट के अंदर में, आंध्र प्रदेश स्टेट में भी वही बड़ा था और आज तेलंगाना में भी बड़ा है। लेकिन तेलंगाना का महबूबनगर का खासियत यह है कि हमारे जिले से, महबूबनगर जिले से पूरा कृष्णा नदी बहता है जी, और कृष्णा नदी बहते हुए महबूबनगर कर्नाटका से बहते हुए महबूबनगर में एंटर होके वहाँ से विजयवाड़ा आंध्रा की तरफ हो जाता है। तो जो महबूबनगर फर्स्ट राइपेरियन राइट्स जिधर हमें 14 लाख एकड़ की सिंचाई करना था वो हमें नहीं देते हुए महबूबनगर में पानी न रुकाते हुए पूरा पानी जो है वो नीचे आंध्रा ले जा रहे थे। तो हमारा पहला मुद्दा था कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के 14 लाख आदमी लोग जो है महबूबनगर छोड़ के दूसरे बम्बई होने दो, दुबई होने दो, गल्फ कंट्रीज़ में हैदराबाद में, सब मतलब ये महबूबनगर को छोड़ के जिसके एक्चुअल उनका मतलब प्रोफेशन एग्रीकल्चर प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन को छोड़ के वो लोग अपने एकदम लेबर बन के हर जगह वो लोग फैल गए थे। तो हम लोग का मांग था कि महबूबनगर में पानी के बहुत ही बड़े रिजर्वाइस होने चाहिए ताकि 14 लाख एकड़ का हम लोग के पास में एग्रीकल्चर होने के बदले में हमें खाली 1 लाख एकड़ के ऊपर में हम लोग को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो इस आंदोलन के बाद में जब भी हमें तेलंगाना मिली है तो पहला कदम हमारे केसीआर साहब ने, मतलब हमारे लीडर साहब ने 32,000 करोड़ रुपया का प्लान बना के पालमोर लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चालू किए। तो उसमें से ऑलरेडी 19 पैकेजेस बनाए हुए, 2 पैकेजेस का काम चालू हो गया है, प्रजा के अंदर में, महबूबनगर प्रजा के अंदर में एक आशा उभर आई है कि ज़रूर यहाँ पर पानी रुकने वाला है, बड़े बड़े टैंक्स यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर विविध नंबर 1।
और इसके बाद महबूब नगर के अंदर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी आने चालू हो गए, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, ओजन फैक्ट्रीज, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी 2.5 साल के अंदर में हम लोगों ने ला लिया। मतलब हमारा जो मांग था वाटर, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंस, ये तीनों के ऊपर भी दृष्टि रखते हुए 2.5 साल के अंदर में वहाँ पर हमने बहुत ही काम चालू किया है इन द वे ऑफ इरीगेशन एंड इन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो दोनों अगर भरपूर हमारा काम पूरा हो जाएगा भाई नेक्स्ट 2.5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स के अंदर में हो जाएगा, तो अपने आप फाइनेंशियली भी महबूबनगर जिला ऊपर आने इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ इंडस्ट्रीज जो पहले ही आंध्रा में थी अब वो डिवाइड हो गई, मतलब आधी तेलंगाना में आपकी ज़्यादा थी आंध्रा में चली गई, तो जो जिनके अदर सेक्टर्स उनके सब्सिडीज ऑफिस थे वो भी थे, वो भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि तेलंगाना से आर दे आर नॉट हैप्पी विद दैट और स्टेट्स में दे डिफर, मतलब जो अलग हो जाते हैं तो ज़रूर वो लोग चाहेंगे कि अपने हेडक्वार्टर्स और अपने जो फैक्ट्रीज अगर आंध्रा में जो इंडस्ट्रीज है उसके हेड ऑफिस आंध्रा में रहेंगे और तेलंगाना में जो इंडस्ट्रीज है उसके हेड ऑफिस जो है तेलंगाना में रहेंगे। तो आज का दिन के अंदर में अगर आप देख रहे हैं तो हैदराबाद बींग ए डेक्कन प्लेस है, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सेंट्रल प्लेस है जहाँ पर हर तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी भी वहाँ पर है। और पहले ज़माने के अंदर में जब भी निज़ाम का वो उधर उनका मतलब राज्य था, निज़ाम जो भी वहाँ के किंग थे, इट वाज वर्ल्ड्स सिक्स्थ रिचेस्ट कंट्री। तो उस तरीके से हम लोग वापस हमारा स्टेट को बिल्ड कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट ओन रिसोर्सेस पहले से मैं बोलते हुए कि जितना भी कमाई जो था, मतलब जो पैसे आने वाले थे, जो मिनरल्स होने दीजिए, इरिगेशन होने दिए, हर एक चीज़ का जो अमाउंट जो था वो तेलंगाना से आ रहा था, तो जो ये सब यूज टू बी शिफ्टेड टू आंध्रा के लिए शिफ्ट होता था। तो भी अभी हमारा जब भी SOR मतलब सीन ऑफ रेवेन्यू हमारे पास में आ गया तो ऑलरेडी वी हैव बिकम ए सरप्लस स्टेट। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है 2-2.5 साल में, अभी जो बेसिक मैक्सिमम मैं आपको बताता कि तेलंगाना के जो आदमी लोग मेहनती आदमी लोग हैं, मेहनत तेलंगाना के जो प्रजा है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री में बांधे हुए, इवन नागार्जुन सागर का जो डैम है वो भी तेलंगाना का प्रजा बांधी हुई है। अगर आप दुबई के अंदर पैलेसेस देखेंगे तो वो भी तेलंगाना का प्रजा, महाराष्ट्र के अंदर में जितना भी काम हो रहा है वहाँ पर भी आपको तेलंगाना का प्रजा मिलेगी। मेनली ये महबूब नगर से गए सो मतलब पीपल माइग्रेट यहाँ से हुए थे बिकॉज एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हमारे पास बंद किया हुआ गया था। तो अभी जो है जितने भी तेलंगाना का प्रजा है अपना स्टेट के लिए काम करने के लिए वो लोग वापस आ चुके हैं और वर्क जो है बहुत ही फास्ट चल रहा है। जैसे कि आने वाले कुछ साल 5 साल की योजना जो है उस योजना में बेसिक क्या क्या होने जा रहा है चिंता नहीं। हम लोगों ने KCR साहब ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स है कालेश्वरम डैम जो है गोदावरी नदी के ऊपर में हमारे कालेश्वरम डैम से उसका उनका काम चल रहा है और इधर महबूब नगर के अंदर में पालमपुर लिफ्ट इरीगेशन काम चल रहा है। तो ये दोनों जो साइमल्टेनियसली गोदावरी और कृष्णा के ऊपर में जो काम जो हो रहा है वो हम लोग 5 साल में पूरा करना चाह रहे हैं। और ये छोड़ के और जो हमारे पास में फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जिन्होंने मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया का ये है कि हमारे पास में ऑलमोस्ट 46,000 लेक्स थे पुराने ज़माने में, काकतिया ज़माने के से 46,000 लेक्स जो है लेक्स के भी वो लोगों ने बंद किया था क्योंकि अगर उसके अंदर वो लेक्स के अंदर पानी भरेगा तो ये पानी का ग्राउंड वाटर ज़्यादा रह के पानी नीचे नहीं जाएगा, तो इसके लिए लोगों ने ये भी बंद रखा था। तो इसके ऊपर हम लोग ने एकदम वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर में एवरी ईयर 6,000 to 7,000 लेक्स हम लोग रिवाइव कर रहे हैं और उसको मिशन काकतिया करके अभी तक ऑलमोस्ट 20,000 लेक्स हमने रिवाइव किया है। और अब की बार जो बारिश भी हुई है उसके उधर उधर मिशन के अंदर में जो पानी लेक्स के अंदर में उससे भी हमारा वाटर ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही बढ़ गया है,
बिकॉज तेलंगाना वॉज नोन एज ए बैकवर्ड रीजन, बट नाउ आपकी बार अगर देख रहे तो 75% ऑफ द इरीगेशन हमारे पास भी ज़्यादा हुआ है. तो मतलब वी आर वेरी सक्सेसफुल. एंड ये जो हम लोग मिशन कागतिया जो प्रोजेक्ट के ऊपर में खाली तेलंगाना में नहीं, पूरा हमारे उमा भारती जी जो CWC में मिनिस्टर, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है, उन्होंने भी देखा है और उनको भी बहुत पसंद आया. इस ये तरीका वो लोग पूरा देश में भी करने का रिवाइनिंग ऑफ द लेक्स तो ये प्रोजेक्ट वो लोग देश भर में भी लेना चाह रहे. और हमारा जो मिशन भगीरथा है, मिशन भगीरथा ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि हर गांव में हमारे पास अभी आज का दिन 31 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हर गांव के अंदर में, हर घर के अंदर में हम लोग प्यूरिफाइड वाटर का टैप और उनको देने का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट वर्क ऑल्सो हैज स्टार्टेड ऑन वेरी बिग बेसिस. अढ़ाई साल में हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम विलेजेस को कवर किए हैं. प्रधानमंत्री जी भी इस उद्घाटन में आ गए, ये मिशन भगीरथा का उद्घाटन में आके वो देख के वो भी एकदम मतलब चौंक गए. और इस वाटर मिशन भगीरथा का ये जो फिल्ट्रेशन फिल्टर्ड वाटर का जो प्रोग्राम है वो भी देश भर के अंदर में भी वो करने के लिए तैयार है. और नीति आयोग जो आज बनी है, नीति आयोग भी वो लोग ने जब अपना टीम भेजा है उसके ऊपर भी मिशन कागतिया और मिशन भगीरथा देखने के बाद में वो लोग भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर में बहुत ही खुश हो गए. 30,000 crores दे हैव रिकमेंडेड टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट तेलंगाना गवर्नमेंट भी शुड बी गिवन एज असिस्टेंस ये पूरा करने के. तो हम 3 साल के अंदर में ये मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया पूरा करना चाह रहे हैं. और ये 5 साल के अंदर में पालमूर लिफ्ट इरीगेशन और जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो गोदावरी पे है ये भी हम लोग पूरा करना चाह रहे हैं. और ये छोड़ के और हमारे पास में हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसको 2 तरीके से डिवाइड किया जैसे आपको मैंने बोला, एक तो वेलफेयर सेक्टर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर में मैंने आपको बता दिया. और आज सोशल वेलफेयर के अंदर में आज तक कोई भी स्टेट ने निर्णय किया इस तरीके से हम एक मतलब सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर रहते हैं उनको 1,000 रुपये का हम लोग पेंशन दे एवरी मंथ. Whereas the other states are giving 250-300 rupees तक दे रहे हैं. ऐसे डिसेबल्ड को हम लोग 1,500 rupees का ये दे रहे हैं. और इससे पहले जो गवर्नमेंट्स थे वो हर हाउस होल्ड को एक हाउस को वो लोग 6 किलो का राइस दे रहे थे. लेकिन आज हमारा सरकार हमारे KCR जी के लीडरशिप के अंदर में हर आदमी को हम 6 किलो राइस दे रहे हैं. और जितने भी SC ST हॉस्टल्स है, हॉस्टल्स जितने भी है हॉस्टल्स के अंदर में हम लोग प्योर मतलब जो फाइन राइस है वो राइस बच्चों को सप्लाई कर रहे हैं कि वो लोग बच्चे लोग भी जो है ना अच्छा राइस खाए अच्छा पेट. जो हमारा CM साहब का ग्रैंडसन पोता खाता है वही राइस हम लोग आज SC ST हॉस्टल्स के अंदर में दे रहे हैं. तो इस तरीके से सोशल जो गरीब लोग हैं BPL लोग अगर वो लोग घर में शादी होगा तो वो कौन से माइनॉरिटी होने दो बिलो पॉवर्टी लेवल के होने दो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने दो वो लोगों के लिए हम लोग 50,000 रुपये उन लोगों को चेक देते हैं शादी मुबारक के नाम से. मतलब इस तरीके से सोशल सेक्टर्स में भी हम एकदम नंबर वन पोजीशन में आ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग नंबर वन. एजुकेशन फ्रंट में क्या क्या है? एजुकेशन के अंदर में आज हम लोग गुरुकुल पाठशाला हम लोग ने चालू किया. कोई मतलब स्टेट में आज तक किसी ने भी नहीं किया हुआ. ऑलमोस्ट 200 गुरुकुल पाठशाला हम लोगों ने वहाँ पर ये किया हुआ है. एंड KG to PG फ्री एजुकेशन का हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ. और ऑलमोस्ट 200 हमारा एम इज नियरली अबाउट 500-600 ईच मंडल लेवल के ऊपर में हमारा एक गुरुकुल पाठशाला आने का हमारा प्रोग्राम है. उसमें से ऑलमोस्ट 200 हमने स्टार्ट कर दिया है. इट इज़ इवन फॉर द माइनॉरिटीज एंड एज वेल एज मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए भी एक गुरुकुल पाठशाला स्टार्ट किया है. और अदर BPL वालों के लिए भी उन्होंने दिस ऑल्सो वेरी गुड फ्लैगशिप प्रोग्राम विच हैज़ बीन टेकन अप. एंड ये जो कस्तूरबा स्कूल्स जो हम लोग लेडीज़ के लिए ST लेडीज़ के लिए भी जो कर रहे हैं मंडल लेवल्स के अंदर में
उसके अंदर में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं एंड वी आर गिविंग अ प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड आज लिटरेसी रेट हमारा कम है थोड़ा सा, बट डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स पीरियड में उसमें भी हम लोग ने डबल किया। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है प्रधानमंत्री बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार से जो आपको एड मिली है जो स्टेट को हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट से, उसमें आप कहाँ तक अचीव हो रही है? वॉट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तेलंगाना? तेलंगाना गवर्नमेंट इज एज वी हैव सेड दैट वी आर नॉट एन एली ऑफ द प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट, but we are issue based, we are helping the government, we are in a friendly manner because our hamara jo hai ye naya rajya hai aur ye naya rajya ko build karne ke iske andar mein hum kaam kar rahe hain, to hamare kisi se dushmani nahi hai, har aadmi se hamara dosti hai aur har aadmi se hamara jo state ko fayda ho raha hai us taraf hum ja rahe hain, aur central government se jo bhi funds jo bhi ye log ki schemes hai jo bhi funding hai वो फंडिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग हमारे स्टेट को लाने की हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोप अप नहीं कर सक रहा पैसा हमको देने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आज हमको बकाया है। कल ही हम लोगों ने बोला कि जो विद्या केंद्र में से जो स्कीम है आरएमएस से स्कीम है, सो जो हमारे को वो लोगों ने प्रॉमिस किया फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ रुपये प्रॉमिस किया, आज तक वो लोग हमारे को 100-150 दिया हुआ और बकाया है। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे CST फंड्स हमारे को बकाया है, BRGF जो बैकवर्ड रीजन का जो फंड्स है उसके ऊपर में भी हम लोग को बकाया, मतलब ऑल दीज फंड्स विच आर देयर वी आर यूटिलाइजिंग इट अप टू द ब्रिम, वट एवर द रूरल डेवलपमेंट का होने दो, हेल्थ का होने दो, एजुकेशन देयर इज अ मेजर इशू ऑफ हाई कोर्ट। आपने हमेशा से पार्लियामेंट में किया, ये अभी तक जो है ये CG ऑफ इंडिया के पास में है, तो उनका ऑलरेडी वी हैव ऑफर्ड देम, ये हमारी लड़ाई उनके साथ में है कि आपके 3 राज्य जब भी बने थे छोटे राज्य उत्तरांचल झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे, वो टाइम में आप 15 दिन 1 महीने के अंदर में इसका विभाग किया था, बट आज तक ये 2.5 साल हो रहे थे अभी तक हाईकोर्ट हमारा रिवर्जन नहीं हुआ है, तो उसके अंदर में हमारा थोड़ा दिक्कत चल रहा है उन लोगों के ऊपर भी और उनके पास में भी, मतलब दे से दैट वो हमारे पास शॉर्ट ऑफ जज सही है।